अजीत डोभाल ने फिर पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाए। पाकिस्तान के घर में चल रही थी मीटिंग, जयशंकर ने बिगाड़ा खेल। बैठक पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो रही थी, कंट्रोल दिल्ली में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर पाकिस्तान की विश्व पटल पे फिर से भारी फजीहत कर दी। दरअसल पाकिस्तान में एक जरूरी बैठक चल रही थी, बैठक का नाम था OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें कुल 57 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। बैठक तो पाकिस्तान में चल रही थी लेकिन कंट्रोल भारत के पास था, यही कारण है कि बीच बैठक को छोड़ 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत का रुख कर लिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा सदमा लगा है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया को सदमा लगा है। इस बात का जिक्र पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा भी करते हैं। वो ट्विटर पर लिखते हैं कि अब भारत ने पाकिस्तान में आयोजित OIC कॉन्फ्रेंस को फेल करने की कोशिश की, जिसका जवाब आपको हाँ मिलेगा। पाकिस्तान ने 19 दिसंबर को OIC की मीटिंग बुलाई, मुद्दा था अफगानिस्तान को मान्यता और मदद देना। OIC के कुल 57 सदस्य देश हैं, इसमें सभी इस्लामिक कंट्री शामिल हैं। इनमें से सिर्फ 16 विदेश मंत्री इस्लामाबाद में बैठक लेने पहुंचे थे। पहले 57 देशों में से सिर्फ 16 देशों ने पाकिस्तान पर भरोसा जताया, उसके बाद 16 देशों में से 5 भारत की तरफ चले आए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को भारत पे भरोसा है। ये वो 5 देशों के मंत्री हैं जिन्होंने भारत आना सही समझा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री और NSA अजीत डोभाल ने समय पर पाकिस्तान का मजाक बनाया और एक बार फिर न सिर्फ अरब देशों के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसकी किरकिरी भी करवा दी। इतना ही नहीं, 19 दिसंबर को 5 अरब देशों के विदेश मंत्रियों को दिल्ली में होस्ट कर ये मैसेज भी भेजा गया कि अफगानिस्तान के मुद्दे पे अरब देश पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के रुख पे भरोसा करते हैं। साथ ही एस जयशंकर और अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी की तारीफ करनी होगी। ये पाकिस्तान की हार है, भारत ने एक झटके में इमरान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दोनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। 5 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात पीएम मोदी से भी होनी है, पीएम मोदी के साथ बैठक पाकिस्तान को जवाब है। पाकिस्तान के लिए ये उतना बड़ा झटका है जैसे घर पहुंची बारात लौट जाए और घर पर आए मेहमान तमाशा देखते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।